कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और टाइम हो गया है 11:10 और साथ में जो है कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। मशीन की आवाज़ ये ज़्यादा कैप्चर करेगा। तो अभी नहाना धोना, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, ब्रेकफास्ट सब हो चुका है। तो अभी लंच की करूँगी मैं तैयारी। और यहाँ पे ये जो है, ये बेटी का एक कमीज काट लिया है और जो मैंने अपना कमीज था वो सील के धो के और सुखा दिया है। मतलब ये जो है ना, ये एक सूट था ये वाला। तो इसके नीचे मेरे पास, आपको अगर मेरे ब्लॉग देख रहे होंगे तो 3-4 ब्लॉग पहले मैंने एक प्लाजो वाइट कलर का, उसमें से सलवार बनाई थी, तो वो इसके नीचे चल जाएगा। और वाइट कलर की मैंने लेस लगाई है और बेटी के पास इसी कलर की लेगी है, तो वो ना लेगी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, तो इसको लेगी के ऊपर डाल लेगी। और सेम इसकी चुन्नी है कॉटन की, तो इस वजह से ये दो सूट हो गए माँ बेटियों का, दोनों का काम चल जाएगा। तो बस ये काट के और गला वगैरह सारा चिपका के, और आधा काम तो ये हो गया है, बस स्टिचिंग का बाकी है। पर मैं अभी किचन में जाऊंगी और दाल भिगोती हूँ और चावल भिगो लूँ या फिर देखती हूँ या रोटी बना लूँ, तो देखती हूँ। 2-4 चाय वगैरह के बर्तन ले साफ करूँगी, तो ऐसा कुछ है। तो जी अभी टाइम हो गया है 1:40 और तैलन साहब खाना खा के जा चुके हैं। और उनके लिए मिलट्स के चावल, ऑर्गेनिक शक्कर और मिक्स दाल और मल्टीग्रेन रोटी ये मैंने बनाई थी, और मैं अपने लिए भी ले आई हूँ। और मैंने रोटी नहीं बनाई, मैं दिखाती हूँ आपको। ये मिलट्स वाले चावल हैं और ये जो है ऑर्गेनिक दाल है मिक्स वाली, और ये ऑर्गेनिक शक्कर है। और दही लाना मैं भूल गई, दही भी लेके आती हूँ। तो ये मेरा लंच है और रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और उसके बाद अभी देखो, यहाँ पे जो कमीज सिल रही थी ना, वो आधा तो मैंने सिल दिया है, बस अभी बाजू लगानी और नीचे से तुरपाई करनी, वो बाकी रहती है। तो आज इसको भी मैं कंप्लीट कर दूंगी। और टीवी मैंने ऑन कर दिया है, खाना खाते खाते थोड़ा सा टीवी देखूंगी और दही ले आती हूँ दही के साथ। और ये मिलट्स जो फूड है वो मैं आज इंजॉय करूँगी। आज के बाद डेली बनता है वैसे तो, खाली जो ये राइस बनाई है ना, ये आज कई दिनों में बनाई मैंने। तो ये होगी है मेरी कंप्लीट मील, दही भी ले आई हूँ और इसको मैं खा लेती हूँ। भाई जिसको है ना थाली देख के मुंह में पानी आ रहा हो ना, वो आ जाओ, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। देखो ऑर्गेनिक फूड में तो वैसे ही हेल्दी तो होता ही होता है, खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त होती, पूरे घर में खुशबू हो जाती मेरे जब मैं ये चीज़ें बनाती हूँ। तो चलो मैं खा लेती हूँ खाना। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Thank you.
तो जी ये देखो अब होगी है मेरी रसोई बिल्कुल नीट एंड क्लीन। इसको भी बंद कर देती हूँ और जो कपड़ा है किचन का वो भी साबुन से धो के बाहर धूप में सुखाया ही हूँ। तो ये है और अब मैं लगूँगी इस वाली कमीज़ को पूरा कर देऊँगी। और टाइम हो गया है 2:20, तो खाना वाना हो गया। अब शाम को ही देखूँगी क्या कुछ बनाऊँगी या खाऊँगी भी या नहीं खाऊँगी। तो इसको मैं बंद कर देती हूँ। तो अभी चलते हैं मशीन की तरफ और एक देखूँगी प्रोग्राम साथ साथ। तो और जब सारा काम हो जाए ना तो अपने हाथों पे कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये जो मौसम है ना ये बदल रहा है और बदलते हुए मौसम में अपनी एक्स्ट्रा केयर की तरफ ध्यान ज़रूर देना, नहीं तो हाथ बिल्कुल इतने गंदे हो जाते हैं ना। और अब की बार तो मेरे फेस पे आया हुआ है ये। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके और ये देखो बिल्कुल एकदम स्मूथ हो जाते हैं। तो जब भी आप पानी का काम करो ना तो हाथों का विशेष ख्याल रखना अपना। लो जी काम ख़त्म करते करते रात भी हो गई है और टाइम 9:30 हो गए हैं। खाना पीना सारा हो गया है और आज मैंने मशीन का पता है क्या किया, मैंने जो मैंने अपने वाला कमीज सिला था वो धो कर प्रेस करके रख दिया। बेटी वाला जो मजंटा कलर का काटा था ना वो सील के धो के और प्रेस नहीं की है, बस धो के रख दिया है। अब उसका ना एक प्लेन रेड कलर का की कुर्ती काट के और हाफ बना दी है, कल दिखाऊंगी। बहुत प्यारा गला वगैरह बहुत प्यारा बना है, पूरी सिल जाएगी ना मैं तब दिखाऊंगी, मतलब तीनों कमीजों को मैं इकट्ठा दिखा दूंगी। तो अभी खाने में क्या खाया है, मिलर्स की खीर बनाई थी मैंने और तैलन साहब के लिए चूरमा बना के रख दिया है। तो वो थोड़ा सा लेट आएंगे तो आके चूरमा खा लेंगे और दूध पी लेंगे। तो मेरा हो गया है सारा काम, मैं नहा भी ली थी, संध्या भी कर ली थी। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ आपसे एक और नई ऊर्जा के साथ और लेके आऊँगी एक और नया कंटेंट, आप लोगों के सामने होंगे रूबरू। तब तक क्या करना है, कुछ बहुत ही बढ़िया टेस्टी सा हेल्दी सा बना के खाना है और बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्दी रहना है, हेल्दी ही सोचना है, हेल्दी बातें करनी है, हेल्दी 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 ही रहना है। तो मुस्कुराते रहिए, प्यार पाते रहिए, प्यार बिखेरते रहिए, अपनों का यूं ही साथ बनाए रखिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। तो चलिए फिर चिल्ड्रेन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, बाय बाय।